आरती कितना बजे होते हैं? साढ़े छह ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्दे गुरुपदवन्दं भक्त वृंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंद नंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपी जन समयुक्त वृंदावन मनोहरम अंग समली मच्छटा विरवित मंदी कृतंदीवरम जड्डं जगुडरोचि सांग विदधतम पट्टम्बर श्रिया वृंदारण्य निवासिनम हृदिल सद्दामाभिरामोदरम राधास्कंध निवेशितोज्जलभुजम धैयेम दामोदरम
भक्ता विहीना अपराध लक्षयि चित्वाश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सब एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोतर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोतर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री वन महाराज श्री श्रीधर महाराज श्री नरसिंह महाराज ऋषिकेश महाराज परमहंस महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। श्रील गुरुदेव के जो ट्रेडिशन है ब्रजमंडल परिक्रमा नवद्वीप धाम परिक्रमा ये COVID-19 के कारण ये कुछ स्तिमित सा दिख रहा था होगा कि नहीं होगा। फिर मैं मठ में वन महारे नरसिंह सबसे आलोचना किया और देखो शास्त्र में बता रहे हैं कृष्ण जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत सच जो जन्म लिया मरेगा जो मरेगा जन्म लेगा। फिर उधर दिखाया भागवत में मृत्यु जन्म बतांग वीर देह न सह जायते वसुदेव महाराज कंस को समझा रहे हैं जब देवकी को मारना चाह तो एकदम मरना ही है तो गुरु सेवा करते क्यों ना मरे। तो ये लोग मुझे उत्साह दिया हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू किया मथुरा से उधर जो आसपास दर्शन किया मधुबन तालबन कुमुदबन फिर रामघाट बिहार वन खेलन वन चिरघाट वत्स वन गरुड़ गोविंद सब दर्शन वृंदावन आए। अब इसके वृंदावन में रहते वृंदावन स्थान का दर्शन कर हम लोग 16 तारीख को गोवर्धन अन्नकूट मनाएंगे फिर 20 तारीख 21 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक 10 दिन उधर हम लोग सब ये गिरिराज में रह करके ही सब मनाएंगे। उसमें 4 दिन बस यात्रा है। मैं सबसे पहले श्री श्रीधर महाराज से अनुरोध करता हूँ हम लोग कुछ हरि कथा श्रवण कराएं श्री श्रीधर महाराज। इसके बाद 20-20 मिनट घड़ी सामने है मुझे घंटा बजाना आनंद हुई हो के घंटा बजाना न पड़े ये ध्यान रखते हुए हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा करने के लिए हम सबके सब आए हैं। ये जो वृंदावन धाम है ये कोई साधारण भूमि नहीं, इसलिए सनक संहिता में वर्णन आता है। बल एक समय श्री अनंत देव महाविष्णु को पास में गए, बल मैं आपका आशीर्वाद से सारे धाम में तो मैंने गया है लेकिन अभी तक एक धाम नहीं जा पाया। बोले कौन सा धाम? बोले से वृंदावन धाम। इसलिए आप कृपा करो जैसे ये वृंदावन धाम को हम जा सकते। तो स्वयं महाविष्णु कह रहे हैं, बोले तुम्हारी बात क्या है? कहते मैं भी वो वृंदावन धाम में, महाविष्णु कहते हैं मैं भी वो वृंदावन धाम में अभी भी मैंने प्रवेश नहीं कर पाए। कारण दुगसाई खीर दसाई विष्णु ये भी ये वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर पाए। लक्ष्मी भी अभी बैल वन में बैठी करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अभी भी वहाँ बैठी करके कठोर तपस्या कर रहे हैं। शंकर जहाँ पर चौकीदारी का काम करते हैं, जहाँ पर स्वयं उद्धव जी, जहाँ पर गुल्म लता और औषधि वृक्ष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, कौन? कहते श्री उद्धव जी। ब्रह्मा जी जहाँ पर पत्थर जन्म लेने की प्रार्थना करते हैं। इसलिए महाविष्णु कहती जो वृंदावन धाम है गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्यते। इसलिए ये वृंदावन धाम कोई यद्यपि हमें दिखता है साधारण रूप में ये वृंदावन धाम है लेकिन ये कोई साधारण भूमि, ये वृंदावन साधारण भूमि नहीं। इसलिए वो कहते हैं यहाँ के जो पर्वत है वो पर्वत नहीं, स्वयं ब्रह्मा ही स्वयं ब्रह्माचल पर्वत बनकर के प्रकट हुए, स्वयं शंकर जी स्वयं नंदीश्वर रूप में प्रकट हुए, स्वयं विष्णु स्वयं कृष्ण यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन रूप में पत्थर रूप में वो पहाड़ रूप में जन्म हुए, जहाँ पर सखियाँ ललिता विशाखा चंपकलता सखियाँ जहाँ पर सखीगिरी पर्वत रूप में ब्रज में प्रकट है। कदि यहाँ नदी कोई नदी नहीं, कदि यमुना नदी जो बह रही हो यमुना नहीं, कहते राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के प्रवाहित होते हैं, कहते ये जमुना पटराणी ये कोई नदी नहीं, ये राधा कृष्ण का प्रेम ही ये नदी रूप में बह रहे हैं। कहते यहाँ के जो तालाब है प्रेम सरोवर क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम ही द्रवीभूत होकर के ये प्रेम सरोवर बने। मानसी गंगा कौन है? कहते कृष्ण का मन से ये मानसी गंगा, कृष्ण की मन से ये मानसी गंगा प्रकट हुई। ये राधा कुंड श्याम कुंड है कौन? बोले जथा राधा प्रियम कृष्णम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सभी का विष्णु रतंत बल्लवा। ये कुंड नहीं, कृष्ण स्वयं राधा रानी स्वयं यहाँ पर कुंड रूप में यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए महाविष्णु कहते हैं यहाँ के साधारण भूमि भूमि नहीं, सबके सब चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत सुरभि लभिपालयंतम दिव्य श्री वृंदावन धाम। लेकिन आज गुरु वैष्णव का आशीर्वाद में वो जो दिव्य वृंदावन धाम में हम लोगों का यहाँ पर जो बास कर रहे हैं, और कहाँ पर ये जो बास कर रहे हैं? कहते ये सेवा कुंज है। आज गए थे ना सेवा कुंज,
जहाँ पर विश्व ब्रह्मांड जिन कृष्ण के चरण को बोले जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिब्बत स्तुनई वेदई क्रम सांग कमनसति गायंती जत सामगा ध्यानावस्तेन जत गतेन पश्यन्ति जत जोगिना। ऐसे जो कृष्ण हैं जिनको बड़े बड़े देव ब्रह्मर्षि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, जहाँ पर कृष्ण स्वयं विश्व ब्रह्मांड जिनको आराधना करता है वो स्वयं श्री राधा रानी के चरण की वो आराधना करते हैं। ये जो स्थान हमारे गुरु जी कहते थे, ये जो स्थान हमने लिया है, ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं, कदी जो सेवा कुंज नहीं, ये राधा रानी के हृदय हैं, ये वृंदावन का हृदय यहाँ पर है। महाराज कह रहे थे ना, यहाँ पर दान गली, मान गली, कुंज गली और जमुना गली, जहाँ पर चार गली एकत्रित हुए हमारी मंदिर, उसकी बीच में हमारी मंदिर, ये कोई साधारण स्थान में हम लोग बास नहीं कर रहे हैं, अद्भुत दिव्य स्थान में। बोले श्री वृंदावन धाम की, हर जोर से बोलो, आज प्रसाद नहीं भाई क्या? बोले श्री वृंदावन धाम की, इसलिए ये दिव्य श्री ये वृंदावन धाम है। आज हम लोग कुछ परिक्रमा में गए थे, कुछ कुछ जगह में कथा नहीं सुन सके, उनकी थोड़ी कथा सुना देता हूँ। आज हम लोग गए थे कहाँ पर, राधा श्याम सुंदर मंदिर में गए थे, जहाँ पर श्री श्यामानंद जी जब उन्होंने वृंदावन में आए, जहाँ पर श्री जीव गोस्वामी आनुगत्य में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास जब इनके आनुगत्य में सारे ग्रंथादि अध्ययन कर रहे थे, उसी समय में गुरु जी ने कहा, देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा, इसलिए सेवा करो। देखो इसलिए यहाँ सिखा देते हैं, मंदिर में सेवा करनी चाहिए। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे ना क्या होगा, हृदय परिवर्तन नहीं होगा, हृदय हमारी साफ नहीं होगी। इसलिए कहते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखई जिह्वादौ स्वयं मेव स्फुरतत। इसलिए हमारी सेवन मुखी वृत्ति होनी चाहिए, जब सेवा करेंगे तब हृदय हमारी साफ परिष्कार, हृदय हमारी निर्मल होएगा। जब हृदय निर्मल होगा तब भगवान हमारे हृदय में वो दिव्य ज्ञान को स्फुरण करा सकते हैं। इसलिए गुरु जी कहा, बेटा सेवा नहीं करोगे तो मेवा नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ पर निधुवन में अभी भी राधा रानी किशोरी जी यहाँ पर रोज लीला करती हैं, झाड़ू लगाओ। जब झाड़ू लगाते थे रो रो करके झाड़ू लगाते थे, राधा रानी का नाम को लेकर गए किशोरी जी कब मेरे ऊपर में तुम्हारी कृपा होगी, और रो रो करके झाड़ू लगाते थे। और राधा रानी उनको दर्शन देने के लिए जानबूझ करके चरण के उन्होंने नुपुर को छोड़ कर गए। जब उन्होंने सवेरे उस नुपुर को प्राप्त किया, गुरु जी को दिखाया, गुरु जी तो विलास मंजरी जीव को स्वामी वो तो साधारण है ही नहीं। बोले देखो राधा रानी तुम्हें दर्शन देने के लिए बहाना बनाया, कोई अगर लेने के लिए आए ना बोलना देखो जिनके चरण के नुपुर वो स्वयं आ जाए, हम उनके चरण में हम स्वयं पहना देंगे। यहाँ पर ललिता विशाखा रूप बदला करके आए, बोले बाबा बाबा आपको कोई चरण के नुपुर मिला? बोले तो मिला तो है। बोले दे दो हमारी घर की बहू की। बोले गुरु जी ने बोले अपना हाथों से नुपुर पहनाना अपना हाथों से। बोले भैया जिनका चरण की नुपुर वो स्वयं आए, अपना हाथों से मैं पहनाना चाहता हूँ। इतने में उनको बोले तेरे को शर्म नहीं लगता है, घर की बहू है और अपना हाथों से पहनाना चाहते हो, अगर अच्छा चाहते हो तो दे दो, नहीं तो भैया को बुलाएंगे, धुलाई होगी तुम्हारी। लेकिन गुरु जी बोले हैं तेना नहीं। इतने में राधा रानी को बोले, राधा रानी बोली देखो उनको बोल दो आंखों में काला पट्टी बांध दे ले फिर मैं आऊँगा। बोले कोई बात नहीं, जहाँ पर राधा रानी स्वयं आए और अपना हाथों से उन्होंने श्री राधा रानी के चरण में नुपुर धारण कराया। और राधा रानी कौन है? साक्षात प्रेममयी श्रीमती राधा रानी, उनकी चरण स्पर्श से इनकी रोम रोम इनके खिल उठा, प्रेम में गदगद हो गई। बोले हे किशोरी जो जब आप इतने दूर तक कृपा की है मेरे को दर्शन भी दो। राधा रानी तो दर्शन देना चाहती थी, जब उन्होंने आंखों को ऊपर से काला पट्टी को खोला और जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी को देखा, प्रेम में गदगद हो गए। प्रेम में राधा रानी की स्तुति करती हैं, मनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी
ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी ससी अमाम कृपा कटाक्ष। तो उन्होंने सुंदर स्तुति की राधा रानी तिलक में अपना नुपुर से उन्होंने तिलक धारण करा दिया उनको हैं। इतने में राधा रानी जो राधा श्याम सुंदर मंदिर में गए थे वो जो विग्रह हम लोग ने दर्शन किया वो विग्रह क्या है, राधा रानी स्वयं अपना हृदय से निकाल करके उन्होंने श्री राधा श्याम सुंदर को उन्होंने श्री उनको पहले नाम था तो दुखिया, बाद में पड़ा दुखी कृष्णदास, फिर राधा रानी इनका नाम श्री श्यामानंद नाम रखते हैं इनका नाम। इसलिए राधा रानी के हृदय से प्रकटित जो विग्रह है ये श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह, ये कोई साधारण विग्रह नहीं। इसी मंदिर में और एक घटना हुई जो गुरुदेव कहते थे यहीं पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रहते थे और श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु उनकी अनुगत्य में सारे गोस्वामी शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया। एक समय जयपुर में वहाँ पर कुछ झगड़ा हुई है, क्या झगड़ा है, वहाँ का जो राजा था राजा को वहाँ पर कुछ रामानुज संप्रदाय के कुछ लोग थे उन लोगों ने बोले देखो ये कृष्ण को साथ में अपने ये राधा रानी को क्यों रखा है, भागवत में राधा जी का नाम कहाँ है, राधा जी का नाम, राधा जी का तो नाम है ही नहीं, भागवत में है रुक्मिणी को साथ में सत्यभामा को साथ में कृष्ण की शादी हुई इसलिए उनको हमारे वैदिक संस्कृति क्या कहता है पत्नी को साथ में ही पति रहता है, हैं राधा रानी के साथ में तो शादी हुई नहीं और भागवत में राधा जी का नाम है नहीं, क्यों यहाँ घटाओ यहाँ से और यहाँ पर श्री रुक्मिणी नहीं तो सत्यभामा को स्थापन करो। दूसरे प्रश्न किया, पहले वहाँ गोविंद देव की पूजा होती थी फिर नारायण की राम की पूजा होती थी, बोले ये सब क्या उल्टा पुल्टा कर रहे हो, कृष्ण आए इसी द्वापर युग में आए, नारायण कब आए, ये अनादिकाल से जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए फिर ये दुनिया सृष्टि हुई, नारायण ही अनादि हैं, अभी यहाँ पर पहले ये कृष्ण को बाद में ये नारायण को क्या पूजा करते हो। अभी राजा जी को तो ये सब शास्त्र भास्त्र कुछ पता ही नहीं, उन्होंने बोले ये क्या बोल रहे, तो उन्होंने वृंदावन में किसी साधु को भेजे, वहाँ पर अगर कोई गौड़ीय वैष्णव में कोई अगर साधु हो यहाँ पर आए और ये सब जो प्रश्न की उत्तर को सही सही प्रदान करे, नहीं तो राधा जी को यहाँ से हटाना पड़ेगा राधा जी को। इतने में उसी समय में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु को बोले बोले तुम जा करके ये सिद्धांत को स्थापन करके आओ। जहाँ वहाँ गलता गदी वहीं पर बहुत बड़ी सभा लगी और जो गौड़ीय वैष्णव है हैं महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान, महाप्रभु का भक्त लोग तो दीनहीन है हैं दीनहीन है लेकिन साधारण सीधा साधा रूप में रहते हैं और साधारण कपड़े पहनते हैं और लेकिन जो रामानुज संप्रदाय का साधु इतने मोटे मोटे लाल कपड़े पहने हुए लंबे चौड़े, एक तरफ में रामानुज संप्रदाय का लोग दूसरे तरफ में हमारे गौड़ीय वैष्णव के लोग, बोले इसके अंदर में दो व्यक्ति को चुना जाए जिनके अंदर में शास्त्रार्थ होगी। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु को चुना गया, वो तो देखने में दुबले पतले और यहाँ तक कपड़े पहने, गले में एक छोटी सी चादर है एकदम दीनहीन रूप में, बोले ये क्या शास्त्रार्थ करेगा, तो फूं देने पर उड़ जाएगा ये इसलिए यह शास्त्रार्थ करेगा। लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु वहाँ पर जब उन लोगों ने प्रश्न किया है संस्कृत भाषा में, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु हमारे संप्रदाय को उन्होंने ऐसे उन्होंने स्थापन किया। बलदेव विद्याभूषण प्रभु कहते हैं उन्होंने बताए ये भागवत में इतने राधे राधे नाम कहते हो, भागवत तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यहाँ पर राधा जी का नाम कहाँ है आप इतना राधे राधे कहते हो। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु बोले ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें राधा जी का नाम सर्वत्र श्री राधा जी का नाम, ऐसे कोई श्लोक नहीं ऐसे कोई अध्याय नहीं जहाँ पर श्री राधा जी का नाम ही नहीं हो, इसलिए ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवतम, श्री मतलब श्रिया सहितम श्री कृष्णम, श्रिया श्रीमती मूल श्री राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम है, ये भागवत कौन सा ग्रंथ है, कहते राधा रानी का प्रेम ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, हैं इसलिए उन्होंने बोले भागवत केवल राधा जी पर का ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है उसमें 10-12 खंड है,
उसमें जो दसम स्कंध को बताया ये भगवान के मुखार बिंद है, और उसमें जो रास पंच अध्याय को बताया ये प्राण है। अगर कोई शरीर हो, अगर प्राण नहीं होना क्या होता है, बेकार है, प्राण के बगैर शरीर बेकार है। इसलिए जो रास पंच अध्याय में उसमें सर्वश्रेष्ठ रूप में किसकी स्थापना की गई, ये रासेश्वरी कौन है, ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए रास में सबके सब थे, लेकिन जब राधा रानी रास छोड़ दी वो रास बंद हो गया, ठप हो गया, इसलिए रासेश्वरी कौन है। वहां कृष्ण भी थे, ललिता विशाखा सबके सब थे, लेकिन राधा रानी छोड़ दी तो वहां पर रास ठप हो गया, इसलिए रासेश्वरी कौन है, ये श्रीमती राधा रानी। आज जो हम श्रृंगार भट्ट में गए थे वहां पर भी जब श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे और उन्होंने देखा कृष्ण का चरण चिन्ह, फिर उनको बीच में देखा एक सुंदर प्यारी एक छोटी सी कोई किशोर जी का चिन्ह है, वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर स्वयं कहते हैं अनाराधित नूनम भगवान हरीश्वर। इसी गोपी ने ही सर्वश्रेष्ठ रूप में कृष्ण की आराधना की, जिस वजह से कृष्ण सब गोपियों को परित्याग करते हुए किसको लेकर गए, केवल श्री किशोर जी को ही साथ में लेकर गए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये जो अनाराधित तो जो श्लोक है वो क्या है, जैसे दो दल में युद्ध हो और जो दल जीत जाता है वो शंख निनाद करता है, क्या करता है, आज हमारी पक्ष की विजय प्राप्ति हुई। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते ये जो श्लोक है, कहते श्री राधा रानी की विजय ध्वनि जिसमें बताए है, इसलिए सभी सखियों में कृष्ण इसी सखियों को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्यार करते हैं, इसलिए कृष्ण सबका परित्याग करते हुए किसको लेकर गए, बोले श्री किशोर जी को लेकर गए, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कहते भागवत का जब श्री सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, नियम किया है प्रथमंतु गुरुम पूज्यम, सबसे पहले गुरुजी की पूजा करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनेना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। इसलिए कौन है, राधा रानी के निकुंज में रहने वाली राधा रानी, जिनको चुंबन करती थी, जिनकी अधर में श्री किशोर जी की, जिसमें राधा रानी के अधरामृत लगा हुआ है, हैं? इसलिए पहला श्लोक में श्री जन्मादस्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो पहले से ही राधा रानी की महिमा को स्थापन करते हैं, बोले जन्मादस्य जतः, बोले जिनसे आदि रस श्रृंगार रस की उद्भव होती है, कैसे उद्भव होती हैं, बोले अनयादितरतश्च कब, श्री उज्जल निर्मरी ग्रंथ में कहते हैं यद्यपि कृष्ण सुंदर है लेकिन कृष्ण की सर्वोत्तमता सुंदरता कब प्रकट होता है, तभी प्रकट होता है जब श्री राधा रानी है स्वाधीन भत्रिका, कृष्ण जब अनुकूल नायक बनते हैं, मतलब राधा रानी मान की हुई श्याम सुंदर चरण में गिरते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनको जो मनाते हैं तभी उनकी सर्वश्रेष्ठ की सुंदरता तभी प्रकट होती है। इसलिए यहाँ पर सत्यम परम धीमही बोल करके कहते परम सत्य कौन है, बोले पराम च परम चैति परा, इसलिए देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता। इसलिए यहाँ जो सत्यम परम धीमही कहते हैं वो परम सत्य को हम ध्यान करते हैं, किसको ध्यान करते हैं, बोले श्री किशोर जी को, श्री राधा रानी को। क्यों, राधा भागवत का जो मूल जो नायिका है ये श्रीमती राधा रानी। जब रास पंचाध्याय को शुरू करते हैं वहां पर भी स्तुति करते हैं, बोले भगवान अपि तारात्री सरद उत्फुल्ल मल्लिका बिक्सरंतु मनश्चक्रे जोग मायांगमुपाश्रिता। ये जोग माया शब्द किसको कह रहे हैं, बोले जोग माया को आश्रय करते हुए रासलीला किया। अगर कभी रास दर्शन करने जाओगे देखोगे राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई, कृष्ण आकर बोले हे किशोरी जो रास की प्रारंभ है गयो है, हे श्री रासेश्वरी आप कृपा करके रास में पधारो। कौन कहते हैं, कृष्ण स्वयं कहते राधा जी को। इसलिए यहाँ पर रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले श्री किशोर जी को प्रणाम करते हैं। जब गोपियाँ गोपी गीत गाती हैं वहाँ पर भी क्या कहती हैं, बोले जयति तेधिकम जन मना ब्रजा
त्रयता ए धीरा सास्वदात्रहि दायितदृक्षताम् देक्षुता बका तोय धृता तब त्वांग विचिन्नते। इसलिए श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट रूप में राधा जी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोले राधा नाम उच्चारण मात्रेण षडमार्षिक मूर्छा भवेत। जब एक बार श्री राधा जी का नाम लेते थे वो छः महीना बेहोश हो जाते थे, सात दिन में सुनाना कहता। उन्होंने जो बताया भागवत से इतने श्लोक उन्होंने उत्थापन करके ऐसे बात बताए ना, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं एकदम चकाचौंध हो गए। बाबारे हम तो सोच रहे थे राधा जी में नाम ही नहीं है, हाँ क्या उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताए, इसलिए वेदम अभी भी हाँ श्याम छबलम प्रबदे सबलम श्यामम प्रबदे, सभी कहते हैं रुक्मिणी कृष्ण कोई नहीं कहते, राधा कृष्ण सबके सब श्री राधा कृष्ण कहते हैं। फिर उन्होंने कृष्ण की परतत्व को उन्होंने फिर स्थापन किया। कृष्ण कैसे हैं भागवत में, कैसे ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। वहाँ पर उन्होंने भागवत में श्री सुत गोस्वामी जी कहते हैं एतेचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यन्ति जुगे जुगे। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में कृष्ण की परतत्व को जो अद्भुत रूप में स्थापन करते हैं वो कहते हैं स्वयं। यहाँ पर जो स्वयं शब्द आया, कहते भागवत में श्री तीन बार ये स्वयं शब्द बताए, जैसे किसी बात को तीन बार बता दो एकदम पक्की हो जाता है, वो तीन बार स्वयं शब्द। बोले कहाँ? बोले एक बार तो इसी श्लोक में कृष्ण तो भगवान स्वयं, स्वयं मतलब क्या होता है? बोले अनन्य पेक्षम जत रूपम स्वयं रूपम सौचते, जो रूप और किसी रूप को निर्भर नहीं करता, जो स्वयं पूर्ण। वो उदाहरण देते हैं जैसे एक संख्या ये पूर्ण संख्या है, लेकिन दो एक एक मिलकर दो होगा, तीन एक 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 मिलकर तीन होगा, लेकिन जो एक संख्या है वो किसी संख्या के आश्रय नहीं लेता है। इसलिए जो स्वयं कृष्ण को जो बताए, बोले और कहाँ पर? बोले उद्धव जी कहते हैं स्वयं स्वयं असामात्य त्रय त्रिधिश, इसलिए तीन देवता का ईश है ये स्वयं। फिर जब कृष्ण मातृगर्भ में आए, सब देवता जब स्तुति कर रहे थे, स्वयं भगवान किलो बोल करके कृष्ण को स्वयं शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए अद्भुत रूप में लघु भागवतामृत में क्या प्रमाण रूप गोस्वामी दिया, ये कृष्ण कैसे पूर्ण ब्रह्म हैं और जितने नारायण आदि जितने हैं ये सब के सब एतेच अंश कला पुंस, ये सब पुरुष अवतार के अंश कला है, लेकिन कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म है। तब भी वो लोग मानने के लिए स्वीकार नहीं किया। बोले ठीक है मान लिया, लेकिन संप्रदाय में कोई आपका भाष्य है? सब संप्रदाय में भाष्य पारिजात भाष्य श्री भाष्य तुम्हारी भाष्य किया? बोले देखो गरुड़ पुराण में बताया है अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतात विनिर्णय, ये जो श्रीमद् भागवत है अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। इसलिए महाप्रभु ने कोई भाष्य नहीं लिखे। बोले नहीं हर संप्रदाय में भाष्य। बोले ठीक है सात दिन दिया। गोविंद देव स्वयं स्वप्न दे करके बोले कोई चिंता मत करो, तुम केवल कलम पकड़ो और मैं स्वयं स्फुरित कराता हूँ। सात दिन में अद्भुत उन्होंने उन्होंने वेदांत की उन्होंने हाँ भाष्य अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं दूसरे दूसरे संप्रदाय में केवल दास्य सख्य रत्न का टच किया है, लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु हैं कति जो वेदांत को, इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज क्या भक्ति वेदांत क्या है, माधव भक्ति वेदांत, बामन भक्ति वेदांत, त्रिविक्रम भक्ति वेदन, ये सब वेदांत वेदांत क्यों नाम रखे, कारण क्या? बोले कारण है साधारण लोग सोचते हैं मायावादियों का ग्रंथ। बोले नहीं ये वेदांत वेद का सार, वेद का सार क्या? बोले निगम कल्प तरुर गलितम फलम, वेद का जो फल है भागवत है, ये भागवत ही वेद का अर्थ है और भागवत में सार क्या? बोले गोपी प्रेम राधा रानी। इसलिए वहां पर जो जन्मादस्य जत ये वेदांत का जो सूत्र यहाँ पर उन्होंने श्रृंगार रस को दिखाया, सब लोग देख करके चकाचौंध हो गए
और जहाँ पर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु हमारी संप्रदाय की झंडा इसे फहराया, उन्होंने सारा दुनिया में अपना झंडा को उन्होंने पूरा के पूरा उन्होंने फैला दिया। और जितने लोग थे ना बड़े जोर से ताली बजाए, क्या किया जोर से उन लोगों ने ताली बजाए, बोले श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की। हाँ देखो एक चीज शिक्षा के विषय है, देखो हमारी जो संप्रदाय का विचार को जब तक हम नहीं समझेंगे ना फिर क्या होगा, धीरे धीरे हमारी सबके सब धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपना संप्रदाय का विचार को हमें समझनी चाहिए। हमारी भक्ति वेदांत सर नारायण गोस्वामी महाराज ये क्या करते थे, बच्चों को हरिकथा सिखाते थे, बच्चों को शास्त्र सिखाया पढ़ाया करते थे। तभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत गुरु जी की छिटा बुटा लग गया, तो हम लोग गुरु जी को साथ में रहते समय छिटा बुटा लग गया तो थोड़ी बहुत सीख गए। लेकिन ये देन किसका है, इलासिलो भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का देन है। यहाँ पर भी श्री परमेश्वरी प्रभु बच्चों को भी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, श्लोक की शिक्षा देते हैं, शास्त्र ग्रंथ की शिक्षा देते हैं। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना जितने दूर हो सके हैं आप लोग ने संप्रदाय का सिद्धांत को समझो और आगे हमारी संप्रदाय को आगे अच्छे तरह से फैलाओ। बोले श्री नितलीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, सपरिकर गौर हरि की। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब श्री वन महाराज जी आप लोग को श्री हरिकथा सुनाएंगे। श्री वन महाराज जी गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासीवृंद, उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जनवृंद, हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कथा प्रारंभ के पहले मैं थोड़ा दो शब्द कहता हूँ। ये ब्रजमंडल परिक्रमा इस बार तो बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया है। महाराज जी कृपा करके 21 से लेकर के 30 तारीख तक 30 नवंबर तक रखा गया है, क्योंकि ये जो वायरस जो है सर्वत्र फैलते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे दिखते जा रहे हैं, सब लोग आतंक में रह रहे हैं। देखते देखते ही हमारे वैष्णव संघ में कितने आचार्य लोग और एक एक करके इसमें भी संक्रामित हुए और चले गए भी कुछ, इसलिए क्या करें नहीं करें, किंतु तथापि जितने भी दिन सन्निकट आने लगे, परिक्रमा की आने लगे, तब मैंने प्रस्ताव रखा क्यों हम लोग बंद क्यों करेंगे। गुरु परंपरा के जो विचार जो है धारा को थोड़ा भी हम लोग धीरे धीरे
चलते रहे, इसलिए इस परिक्रमा को भी रखा गया है विचार विमर्श करके। ये हम लोग बाहर के निमंत्रण नहीं दे करके अपने मठवासी ब्रह्मचारी सन्यासी के द्वारा ये परिक्रमा हम करेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो इसके बीच में अभी जो आ गया फिर परिक्रमा की, जो हम लोग जो है 7 से 12 तक तो वृंदावन में है, फिर 12 से लेकर के 21 तक कोई परिक्रमा नहीं रखा गया था। तो मैंने विचार किया ये क्या की जाए, महाराज जी बोले ठीक है 16 तारीख को जो है रखे अन्नकूट महोत्सव जो है गोवर्धन में रखेंगे, एक दिन के उत्सव है, बाकी 7-8 दिन क्या करेंगे। तो मैंने इसी विचार करके कई बार मैंने प्रस्ताव दिया जे अगर भागवत सप्ताह हो जाए कम से कम रमरमाय रहें, रौनक बने रहें, क्योंकि भागवत कथा सुन करके विशेष करके कार्तिक महीने में भागवत जी हो इसे अधिक फलदायक होता है। कई बार तो मैंने भी उत्साह दिया और फिर कभी भी निरुत्साह दिया, तरंग रंगनी के भांति कभी आगे कभी पीछे, क्या करें क्या ना करें। किंतु फिर इस बार जो है हमारे सिद्धर महाराज जी जब मिले काल परसों मिले थे ना, बोले नहीं नहीं आप करो जरूर लोग आइए। तो मेरा हृदय में और भी जोश आ गया, देखो रात वो रात ही वो कर दिया, क्या बोले बैनर जो है छप दिया, और भी हम भी प्रकार भी ऐलान भी कर दिया, नहीं 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, 18 तारीख जो है हम मथुरा मठ में भागवत करें। इसलिए आप लोगों की सभीों की मेरा करबद्ध निवेदन है, आप लोग उस कथा में योगदान दीजिए और उत्साहित प्रदान करें। और कुछ चाहिए हमें, आप लोग आने से क्या होता है हमारे उत्साह बढ़ते हैं, ये गुरुदेव की प्रचार है। यदि भागवत नहीं हो 10-12 दिन के ब्रह्मचारी इधर उधर चले जाएंगे, और 2-4 लोग शाम के समय जैसे आते हैं 15-20 आते हैं उतना ही होगा, किंतु देखो भागवत हो कम से कम 100-150 लोग तो आएंगे हम उम्मीद रखते हैं। कथा जो भागवत हो विशेष करके मथुरा में भागवत कथा हो तो जरूर 100-200 लोग जरूर आ जाएंगे और उत्साह हो जाएगी जाएगा, क्योंकि भागवत कथा प्रचार ही हमारे जीवन है, प्राण आते जेतु से हेतु प्रचार। आज नहीं काल तो मरेंगे, कोई इसमें मर जाए और उसमें मर जाए ये तो केवल बहाना मात्र है, शरीर छोड़ने के एक बहाना मात्र हो जाता है, किंतु वो जो होने वाला है उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और रोकने वाला है तो एक ही व्यक्ति रोक सकते है, कौन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। हाँ ये भी हम भी कहते हैं थोड़ा बहुत सावधान होकर के रहना चाहिए, सरकार जो नियम बनाया COVID-19 के रूल्स जो बनाया गया उस रूल का हम फॉलो करते रहे, किंतु हरी कथा में कभी कंजूसी ना हो। इसलिए सभी लोग पुनः पुनः मेरा निवेदन है 12 तारीख से 18 तारीख तक आइए, और सुबह हम समय भी काम करके रखा है, 3 सायंकाल 3 बजे से लेकर के 6:30 तक रखा है, हम लोग जाते क्योंकि ठंडी के समय है जल्दी जल्दी हम छोड़ देंगे। तो इसलिए सभियों के सादर अभिनंदन और निमंत्रण है, आप लोग उसमें भाग लीजिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम कथा प्रसंग में चलते हैं, हम लोग आज वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हुए विशेष करके जहाँ जहाँ पर गए बहुत सुंदर सुंदर कथा हम लोग श्रवण किया, विशेष करके इमली तला के बारे में हम लोग भी श्रवण किया, किस प्रकार कृष्ण राधा जी की विरह में कैसे श्वेत वर्ण हो गए, ये सब कथा भी हम श्रवण किया। और आगे बढ़ते ही हम सेवा कुंज में गए, परात्पर परतत्व संग भगवान वृंदन श्याम सुंदर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं की भी आराध्य, कैसे राधा जी के चरण में नतमस्तक होकर के
सेवा आदि कर रहे हैं, जिससे जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद ग्रंथ में लास्ट लाइन को लिखने में ही भूल गया, स्मर कर लखंडनम मम शिरसि मंडनम, यह तो लिख दिया, दूसरे लाइन लिख नहीं पाए। जिस लाइन को पूर्णा पूरा करने के लिए स्वयं कृष्ण जयदेव के रूप धारण करके, और वो लिखा क्या, देही तव पद पल्लव मुदारम। तो इसी कथा को कितने बड़े महत्व हैं। श्री गुरुदेव कहते हैं वृंदावन के हृदय स्वरूप ये सेवा कुंज कहा जाता है, सेवा ही परम धर्म, स्वयं भगवान दर्शन कराते हैं ये कैसे हम सेवा करें। सेवा की वृत्ति जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास के कर्तव्य क्या है, सेवा करना। और स्वयं भगवान भी उसी प्रकार देखो सेवा शिक्षा भी दे रहे हैं, यद्यपि रस माधुर्य इसमें है, कृष्ण धीर ललित नायक है, धीर ललित नायक में ये विशेष कर प्रेयसी वशीभूता, प्रेयसी के प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर के जैसे कहती है ऐसे वो करते हैं, ठीक उसी प्रकार धीर ललित नायक किस प्रकार कृष्ण के एक राधा जी के चरण में आलता भी लगाते हैं, और भी लगा नहीं पाते हैं, राधा जी के ऐसे सुंदर चरण कमल को देख करके कृष्ण के हाथ कपने लगे, और अलता लगाने वाले जो क्या बोलते हैं जो तुली जो है वो भी क्या आगे नहीं बढ़े, और केवल राधा जी के चरण में थोड़ी सी लगाया और कुछ नहीं, इतने सुंदर राधा जी के चरण कमल जो है देख करके कृष्ण तो आश्चर्य हो गया। राधा जी के चरण कमल कोई साधारण नहीं है, अंत में कोई सखी जो है राधा जी के जो है कन्नर देखो ये मूर्ख है, गाय चराने वाले हैं, इसके शिल्पकला नहीं आते हैं, और देखो बाएं अंग से उनको थोड़ा धक्का दे दिया, और देखो कृष्ण के हाथ में जो तुली जो है वो क्या थोड़ा ऐसे से हो गया, और अंत में राधा जी की चरण कमल चमर चरण कमल की जो लाल आभा जो है कृष्ण के सिर पर लग गया, और कृष्ण उसी में प्रसन्न हुए, कहने देखो राधा जी के चरण छाप लेकर के मैं सर्वत्र जो है विजय घोषणा करता हूँ, राधा जी के जय हो, राधा जी के जय, यही तो दिखाते हैं वृंदावन के महिमा क्या है, वृंदावन के महिमा सर्वोत्त घोषित होता है इस कृष्ण स्वयं करते हैं, दिखाते हैं परात पर प्रतत्व कृष्ण दिखाते हैं, भागवत में जिसको ऐसे गुणगान कर रहे हैं, वेद पुराण परिषद में जिसको कहते जा रहे हैं, और हमारे गोस्वामी वर्ग वही कृष्ण के जो है राधा जी के चरण कमल में नतमस्तक होकर के ही दिखाते जाए। जैसे यहाँ पर एक श्लोक जी लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती पाद के, जत किंकृष बहु से खोलू का वाणी नित्यं परस पुरुष शिखंड मूले जस्सा कदारे विषवानु जाया तत्कली कुंजे भवनांगन मार्जन ईशाम, जिससे हमारी प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद क्या बोल रहे हैं, जो कृष्ण लीला में साक्षात जो तुंग विद्या सखी जय विद्या के श्रेष्ठ के तुंग विद्या का जय, वो तुंग विद्या सखी प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में आकर के कितने दीनहीन होकर के कह रहे हैं, देखो निधुवन की कथा वर्णन करते जा रहे हैं, जिस निधुवन की एक झाड़ू का झाड़ू के सलाका होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, झाड़ू होना तो संभव नहीं है, बोले झाड़ू के एक सीख सलाका होकर मेरा जन्म है, इसलिए कहते जत किंकर जो बहुत से खोलू का वाणी श्रीमती राधिका जब मानवती हो जाते हैं मान कर लेती है, तो अब उसे कृष्ण के कृष्ण राधा जी को मान मनाने के लिए जिस कुंज के द्वार पर खड़े हो जाते हैं, और राधा जी दरवाजा को बंद करके अंदर में चले जाती हैं, और उस दरवाजा के बाहर जो है उनके सखियां मंजरे जो खड़ी रहती है, और उनके चरण में कृष्ण नतमस्तक होकर के गिड़गिड़ाते हैं, नाक रगड़ते हैं, कान पकड़ करके उठते हैं बैठते हैं, ये ऐसे अपराध किंतु तथापि अनुमोदन नहीं मिले, इसलिए कहते हैं जतकर बहुत से खोलू का वाणी नित्यं पुरुष पुरुष शिखंड मंगले, देखो इसी लीला की तो हमारे वर्णन करते हैं, कृष्ण जब अनुमोदन नहीं मिला और उसके तब राधा जी के कुंज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिला तो कृष्ण क्या किया, अत्यंत निराश हो गई, निराश होकर यही जमुना के तट पर आ गई,
और जमुना के तट पर आकर के काम बांध में बिद होकर के छटफटाने लगे, जैसे बहलिय की तीक्ष्ण सर के द्वारा हिरण जैसे बिद होकर हिरण जैसे छटपटे छटपटाते रहते हैं, उसी प्रकार कृष्ण काम बांध में बिद होकर के यही जमुना के तट पर छटपट छटपट करने लगे, विचार करने लगे क्या करें। और इतने समय पूर्णमासी देवी पधारी, पूर्णदासी बोले हे कृष्ण चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था करता हूँ। बोले अति शीघ्र ही वृंदादेवी आ रही, वृंदादेवी जब पधारे तो वृंदादेवी के देख करके कृष्ण कहने लगे वृंदे तुम्हें बताओ मैं कैसे राधा जी के साथ कैसे मिलूं। तो वृंदादेवी कहने लगे सहज उपाय है, राधा जी के मिलने के सहज उपाय है। बोले क्या बताइए। बोले देखो मैं जैसे कहूंगी ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा। बोले ठीक है आप जैसे कहो ऐसे मैं करूं। बोले देखो पहले जो है ये काम करो, तुम्हारे सुंदर जो घुंघराले वाले बाल जो है इसको क्या करो मुंडन करो। अच्छा कृष्ण मुंडन कर लिया, फिर और क्या है ये त्रिभंग भंगिमा नहीं रहेगा, त्रिभंग फोल्ड ये नहीं रहे, ये कैसे हो जाए सीधी बाल हो जाओ, अच्छा सीधी हो गई, ये बंसी जो है मुझे दे दो, अच्छा बंसी ले लो। और देखो तुम्हारे ये पीताम्बर जो चढ़े हुए ये पीताम्बर छोड़ दो, क्या करना पड़ेगा भिखारी के वेश ले लो। बोले कौन सा भिखारी, ये देखो ये भगवा वस्त्र है, भगवा वस्त्र पहन लो, बहुत सुंदर जो है ये वस्त्र पहनो। और क्या करना है ये खंजनी ले लो, खंजनी समझते हैं जैसे ऐसे करके बजाती है, बाउल लोग जो है एक हाथ में वो रखते हैं तानपुरा रखते हैं और दूसरे हाथ में खंजनी बजाते हैं। बोले खंजनी ले लो, महाप्रभु यहाँ पर जो है तानपुरा नहीं लिया केवल खंजनी ले लो, और खंजनी लेकर के वाश जाओ कुंज के पास जाकर के ये कृष्ण हे राधे तुम्हारे लिए ही कृष्ण सन्यासी हो गया, दार दार में घर घर में जाकर के भीख मांग रहे हैं, प्रेम की भिक्षा मांग रहे हैं। संत महात्मा जो भिक्षा करने के लिए क्या भिक्षा मांगते हैं, प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। उसी प्रकार वृंदादेवी के आदेश प्राप्त करके कृष्ण क्या बने, साधु बन गए। कृष्ण भी वचन दिया न पारंग निर्बदंग न पारंग निर्बदंग जामा दुर्ज गृह श्रृंखला संविश्च प्रतिजातु साधुना, प्रतिजातु साधुना साधु वेश लेकर के तुम्हारे ऋण को मैं उतारूंगा। इसके टीकाकरण वैष्णव ने इसी प्रकार व्याख्या करते हैं, किंतु क्योंकि कृष्ण जब ने कहा, कृष्ण जब कहा हे राधे आपके प्रेम में मैं ऋणी बन गया, ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके भी आपके चरण सेवा करने भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे से कभी ऋण से ऋणी नहीं रह सकते, उसके मुक्त कर दे। बोले मुक्त कैसे होगा। बोले साधु वेश धारण करो, जब तुम साधु वेश धारण करके प्रेम की भिक्षा करोगे तब ऋण से मुक्त हो जाए। हमारे आचार्य गौरगंध गोस्वामी सुंदर इसमें व्याख्या आदि किया। देखो उन्होंने आकर के क्या की और खंजनी लेकर के बस वही कीर्तन अत्यंत सुंदरी सुंदर सर से कीर्तन करने लगे, हे राधे तुम्हारी प्रेम से और तुम्हारे साथ मिलने के लिए ही कृष्ण आज दार दार में भीख मांग रहे हैं। देखो वो कीर्तन जो है राधा जी के कान में पहुंचे, राधा जी सुन करके रोने लगी, ये मेरे प्रेम से कृष्ण आज क्या कर रहे हैं, सन्नास वेश लेकर के भिखारी वेश लेकर के दार दार में भीख रहे हैं। जो परात्पर परतत्व भगवान आज क्या कर रहे हैं, दार दार में घर घर में जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं। राधा जी के सहन नहीं हुई, राधा जी के मुखारविंद से शिक्षाष्ट के जो अंतिम श्लोक जो है अश्विस वापादुर्दां पुनिष्टमांग दर्शन मर्माहतं कृत्वा यथा तथा विदुधातु लंपटु मत प्रणनाथस्तु स एव न पारः। हमारे गुरुगोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं जब कृष्ण साधु वेश लेकर के वही कुंज के आसपास में ये कीर्तन करने लगे, राधा जी ही इस श्लोक के उच्चारण किया,
है गौरीबंद गोस्वामी महाराज ने यही से लिखा है। राधा जी की, राधा जी केवल रोने लगी बस, ललिता विशाखा आदि राधा जी के ऐसे विवश अवस्था देख करके विचार करने लगे क्या की जाए। ललिता विशाखा समझ गई ये कोई भिखारी साधारण भिखारी नहीं है, ये भिखारी कौन भिखारी है, विचार करने लगे भाई जितने भी अंग के ढक लिया जाए किंतु उसके गंध कहां जाएगा। कृष्ण अभी भिखारी बन गए, भिखारी बन करके और अंग के तो ढाक लिया गौर वर्ण के द्वारा अंग के ढाका पीताम्बर के छोड़ करके अरुण वस्त्र धारण किया बंसी के छोड़ करके केवल वो क्या खंजनी व करताल लेकर के जाए कीर्तन कर रहे हैं, त्रिभंग के छोड़ करके सीधी होकर के चल रहे हैं, सुंदर घुंघराले बाल को जो है मुंडन करके और कैसे साधु के फांसी कैसे रंग लगे। उस समय ललिता विशाखा उनके बुलाया हे साधु आप हमारे कुंज की तरफ आइए। देखो उस समय वृंदादेवी के द्वारा शिक्षा प्राप्त स्वयं कृष्ण कल नहीं देखो हम किसके पास जाते नहीं है, विशेष करके स्त्रियों के पास तो जाना ही नहीं है, मात्रा ससरा द्विता बीपता सुनो बसेत बलवान इंद्र ग्राम विद्यांग संकर्षयते। अरे बड़े बड़े विद्वान लोग भी स्त्रियों की मोह वाक्य के द्वारा मोहित होकर के बस भ्रष्ट हो जाते हैं, हम नहीं जाते किंतु हृदय में उथल पुथल मच रहे हैं किंतु बाहर क्या कर रहे, बोले हम नहीं जाते। अच्छा दो चार बार करने के लिए अच्छा ठीक है मैं आता। देखो हमारी एक सखी जो है बहुत दुखित है उनके थोड़ा आप जो है हाथ आदि देख करके थोड़ा बता दूं उनके कैसे ठीक हो। संत महात्मा क्या बोले, साधु क्या बोले, बोले हम हाथ फात नहीं देखते गुरुदेव भी कहते सन्यासी को भी हाथ फात ना दिखे समझ में नहीं, हाथ एक बार हाथ परस हो गया तो गए गए अकबर जीवन में नष्ट हो गया। देखो गुरुदेव कहते थे विश्वामित्र इतने कठोर वैराग्य करके तपस्या आदि करने लगे और देखो इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर के मेनका केवल हाथ की क्या वो चूड़ियां बजा दी बस उनके ध्यान भंग हो गया और मेनका की मेनका था ना उनको हाथ पकड़ लिया बस हो गया बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो उसी प्रकार ये कहते हैं हाथ हम हाथ नहीं देखते। अच्छा हाथ नहीं देखते क्या हूं अरे कुछ तो करके बताओ कुछ बोले अच्छा ठीक है और उधार बोले मैं उसके ललाट देख करके बता दे सकते क्या देखते कैसे ललाट दूर से ललाट मानी एक कप ऐसे जो है माथा जो है इसको देख करके मैं बता देख सकता हूँ इसके दुख के कारण है और इसके कैसे निदान हो अच्छा ठीक है। ललिता विशाखा आदि अंदर में जा करके बोले एक संत महात्मा आए हैं बहुत दिव्य संत महात्मा है त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले संत महात्मा ये आए हैं राधे तुम्हारे सारे जो है दुख के बारे में बता देंगे और तुम आनंद में। राधा जी क्या बोली, बोले पर पुरुष का हम तो दर्शन नहीं करते हैं वास्तव में सत्य है राधा जी के एकमात्र निष्ठा किसमें है एकमात्र गोविंद गोविंद बिना नहीं स्पर्श अन्य जन चैतन्य चरितामृत में स्पष्टीकरण कर दिया। राधा जी के ऐसे सतीत्व की निष्ठा है एकमात्र गोविंद छोड़ करके किसी के भी प्रसन्न भी नहीं करते। यह तो भी कृष्ण के वही अवतार आदि भी हो तथापि उसको भी प्रसन्न नहीं करेंगे राधा जी के ऐसे निष्ठा है गोविंद बिना नहीं स्पर्श अन्न जन बोले नहीं लगे। ललिता विशाखा बार बार कहने पर अरे कोई भी बात नहीं थोड़ी सी दूर तो बैठोगे तुम और वो सन्यासी त्रिकाल त्रिकालदर्शी सन्यासी केवल तुम्हारी ये ललाट माथा को देख करके बता देंगे। बहुत बार बोलने पर राधा जी आई वो भी घूंट लगा करके और बार बोले यार थोड़ा तो घूंट तो खोलो ऊपर करो देखो
जब राधा जी अपने घूंघट के थोड़ा ऊपर कर लिया है और उस समय सन्यासी ठाकुर राधा जी के आंखों की तरफ दर्शन किया, राधा जी सन्यासी देखो, देखते देखते एक दूसरे की रख नहीं पाया, कृष्ण भी सन्यास वेश रख नहीं पाया है, माने वो साधु क्या कर सन्यास वेश नहीं गए, क्या हुआ अपने स्वरूप में आ गए, अपने स्वरूप क्या है कृष्ण रूप में आ गए। और तब सखिया ने क्या कि जुगल सरकार के जो है एक स्थान पर बैठा करके क्या कहने जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करन ललिता सखी गण मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीताम्बर सिखी पुछ चूड़ा मनोहर है। इसी प्रकार राधा गोविंद किसी प्रकार मिलनी, ये समस्त लीला जो है ये वृंदावन छोड़कर कहां होगा बताओ। हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज उसी संदर्भ में लिख रहे हैं, ऐसे सुंदर जो लीला कहां पर है, वही कृष्ण ही गौ चैतन्य महाप्रभु है और महाप्रभु कृष्ण है, यही तो दिखाते जा रहे हैं है। गौर से कृष्ण अभिन्न है और कृष्ण से गौर अभिन्न है, इसलिए गौर गोविंद की लीला यही हमारे वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम में अनगे ही तात्पर्य है, दोनों लीला का हम स्मरण करें, एक विरह लीला और एक मिलन लीला, इसके संभोग और विप्रलंभ लीला। महाप्रभु की लीला को कहा जाता है विप्रलंभमय लीला कहा जाता है और कृष्ण की लीला को कहा जाता है क्या संभोगमय लीला, किंतु दोनों लीला ही एक ही तात्पर्य है। जैसे एक कॉइन के जो है दो स्थान दो पीठ कहा जाता है, उसी प्रकार मिलन और विरह, विरह और मिलन, इसलिए गौर और कृष्ण, गौर लीला और कृष्ण लीला। हमारे आचार्य पाद भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर जयधर्मी वर्णन करते हैं, गौर के अनुगत्य में राधा गोविंद के सेवा करने पर साधक सिद्धि अवस्था में उन जाकर के उनके आत्मा के दो विभाजन होकर के एक ही साथ में नवद्वीप धाम पीठस्थल जो है विप्रलंब पीठस्थल शतद्वीप धाम में वहीं पर गौर की सेवा करेंगे। और दूसरी क्या है ये अपराकृत गोलोक वृंदावन संभोगमय स्थान राधा गोविंद की सेवा प्राप्त करेंगे, इसलिए गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा है, यही हम प्रार्थना करते हैं। वृंदावन आने की यही यह तात्पर्य है, हम लोग कथा को स्मरण करें, राधा गोविंद की कथा और साथ ही साथ गौर सुंदर की कथा, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप बोल रहे उनके बाल इतनी जल्दी वापस आ गए मैं भी सोच रहा था कौन वापस आ गए बाल कटा लिए थे ना सन्यासी हो गए थे उसमें ड्रेस बना दिया या वो विग लगा ली यही तो है यही तो समझने का बात है भगवान की क्या कहते आंखों की पलक पड़ रही विश्व ब्रह्मांड लय प्रलय हो जाता बाल कटना और करना की थोड़ी बात जल्दी बात कटवा दिया अरे ईश्वर जो और माधु जी एक साथ में रहते हैं ना और क्या वृंदावन हरे कृष्ण श्री गुरवे श्री गौर चंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रज धामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। आप लोगों ने श्री श्रीधर महाराज एवं श्री वर महाराज जी से कथा श्रवण किया, और भी सन्यासी लोग और वक्ता लोग हैं, लेकिन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय समुद्र के लहर, और गुरुदेव कहते डेथ मौत भी किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करते। अब आरती का समय हो रहा है, इसलिए और जो वक्ता लोग फिर काल बोलेंगे। ये श्री श्रीधर महाराज श्री वन महाराज दोनों ही क्या बताया, राधा जी कौन है, कृष्ण की अपनी पत्नी नहीं पराया स्त्री है, तो पराया स्त्री का थोड़ा महिमा सुना करके मैं हरि कथा में आऊंगा। पराया स्त्री से कैसे संबंध रखना चाहिए बताए, पर स्त्री दर्शने पुण्यम स्पर्शने पापनाशनम चुंबने परमानंदन आलिंगने मोक्षदायकम।
बताया क्या, परस्त्री को दर्शन करने पर पुण्य होता है और परस्त्री को स्पर्श करने पर पाप दूर होता है और परस्त्री को चुम्बन करने पर आनंद होता है और आलिंगन करने पर मोक्ष, मोक्ष अर्थात कृष्णांग्री लाभ मुक्ति। बताए माधवमय दिमाग खराब हो गया है, ये मठवासी को परस्त्री को चुम्बन आलिंगन करने बता रहे हैं, इनको आगरा में भेज दो मेंटल हॉस्पिटल में। अब थोड़ा इसका नाम है बैस्कुट। जब बैस जी लिख रहे, लिखने की प्रयास इच्छा की तो ब्रह्मा जी बताया लिखेगा कौन, गणेश। गणेश का थोड़ा अभिमान था, बता पितामह बता लिखूंगा तो जरूर, किंतु एक कंडीशन है, मेरा कलम रुकेगा तो रुकी जगह उठाऊंगा नहीं दोबारा। बैस ने बता ठीक है बेटा, ये भी याद रखो मैं जो कहूंगा उसको समझ करके लिखना, बिना समझे लिखोगे एक बात तो सिर उड़ा था हाथी का सिर लगा, अब यह भी उड़ जाएगा सिर आएगा नहीं। तो ये देखा तो साधारण व्यक्ति तो है ही नहीं, तो धुरंधर है। बता परस्त्री दर्शने पुण्यम, ये दो परस्त्री, एक गंगा एक जमुना, कौन है, कृष्ण की प्रिया है। परस्त्री दर्शने पुण्यम, दर्शने पवित्र कर यही तुम्हार गुण, दर्शने परस्त्री दर्शने पुण्यम, परस्त्री को दर्शन करने पर पुण्य अर्थात गंगा जी या जमुना जी को दर्शन करने पर पुण्य होता है। स्पर्शने पाप नाशनम, स्पर्श करो तो पाप दूर हो जाएगा। और क्या है, चुम्बने परमानंदम, आचमन, आचमन के मुख से आचमन करते हैं ना, ओम केशवाय नम, ओम नारायणाय नम, ओम माधवाय नम, इसलिए परस्त्री चुम्बन में आनंद परमानंदम। और आलिंगने मोक्षदायकम, जब डुबकी लगाते हैं कैसे, आलिंगने मोक्षदायकम अर्थ मोक्ष अर्थात क्या, विष्णांग्री लाभ मुक्ति, विष्णु के पाद पद्म की सेवा लाभ करना ही मुक्ति। कौन विष्णु, मत्स्य कूर्म वराह, कौन से बता, विक्रीडितम ब्रज वधुवी इदंच विष्णु श्रद्धान्वित अनुसृणुयात अथ वर्णयेत् ज भक्ति परां भगवती प्रतिलब्ध कामम हृद्रोगम आशु अपहिनत्त चिरेण धीर। विक्रीडितम ब्रज वधुवी इदंच विष्णु, जो ब्रजवधुओं के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं, ब्रजवधुओं के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करना अधिकार एकमात्र गोपेंद्र सुत अर्थात कृष्ण और किसी का नहीं है। वही क्या है, विष्णांगी लाभ मुक्ति, कृष्ण की सेवा प्राप्ति। अब आते हैं कथा में, श्रील गुरुदेव इस कार्तिक महीना में दामोदर अष्टक पाठ करते हैं। दामोदर श्रील गुरुदेव अपने टीका में लिखा, दामोदर चार हैं, एक है यशोदा दामोदर, ये यशोदा दामोदर ये वात्सल्य रस के हैं जिसके लिए सत्यव्रत मुनि ने स्तव लिखा, शुरू किया दास्य रस से लेकिन आखिर में उसको अपनी इच्छा को दबा के रख नहीं सके, प्रकट हो ही गया। उनकी क्या है, जगत को अपने क्या है इसका बताया है कि मन की इच्छा को छिपाने का क्या बोलते हैं, अवहित्था, मन के भाव को छिपा, अनयाराधित अवहित्था है, मन को भाव को छिपा के रखा। आखिर में क्या किया, नमो राधिकायोई तदीय प्रियायोई नम अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, उधर राधिका को प्रणाम किया और अनंत लीला रासलीला को प्रणाम किया। क्यों, जितने भी लीलाएं हैं सर्वश्रेष्ठ लीला है रासलीला। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अर्जुन पूछा, अर्जुन कृष्ण के सखा है, कृष्ण तुम्हारे कौन सी लीला श्रेष्ठ है, बता, संति यद्यपि मे प्राज्ञा लीलास्तता मनोहरा नाही जाने स्मृते रासे मनो में किद्री संभवेत। यद्यपि में बहुत सी लीलाएं हैं आ समस्त ही प्राज्ञा प्रकृष्ट रूपेण इज्जा प्रकृष्ट रूप में पूजनीय है और मनोहरा सबके मन को हरण करते हैं। जब गुरुदेव प्रचार करते थे विदेशों में तब कुछ विदेशी लोगों ने बताया
गुरुदेव अब नए युग है, अब हमारे प्रचार का टेक्निक को परिवर्तन करना पड़ेगा, ऐसे महामंत्र नहीं बोलना पड़ेगा, ये बोले मूर्ख कहीं का, तुम इसके योग्य नहीं हो। कुछ विदेशी लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डांट रहे थे गुरुदेव अमेरिका में, बता शास्त्र में कहा गया आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापिक्रमे कुरुवंती अहैतुकी भक्ति मिथ्यमृत गुण हरि। हरि के इतने गुण हैं, आत्मा राम के मुनि तक मन को आकर्षण कर लेते हैं। अरे साधारण कर्मी का विषय का क्या बात है, मूर्ख कहीं क्या बोले, गीता का श्लोक तुम क्या परिवर्तन करोगे। एक एक उदाहरण दिया तो बेचारा सन्यासी चुप हो गया। तो बताया, इसलिए ये कृष्ण लीलास्तता मनोहरा, समस्त लीला ही समस्त लोक मन को हरण करते हैं। फिर कृष्ण कहे, नहीं जाने स्मृति रासे मनो में किद्र संभवित, मैं नहीं जानता रासला का याद आने पर मैं अपने मन को काबू में रख नहीं पाता हूँ, मन उथल पुथल हो जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ रासलीला सब विकृतम ब्रजवधु ईदन च विष्णु विश्वष्णु में क्रीड़ा अर्थात रासलीला, जो आखिर में बताया, नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमनंत लीलाय देवाय तुभम। श्लोक के प्रथम में क्या आ रहे हैं, नमामि शरम, ये तो है जसोदा दामोदर, और आते हैं ये तो नंबर वन जो इस महीने के हम लोग तप स्तुति करते हैं। दूसरा है क्या, कृष्ण सबसे कहते हैं समस्त गोपियों को, देखो मैं सबसे तुमसे अधिक प्यार करता हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं, अकेला अकेला, नहीं तो कृष्ण का पोल खुल जाएगा। और गोपियाँ क्या है, बोले भोली गोपी राधे राधे, बहुत भोली भाली लोग समझ लेते, यही बात है। रास्ते क्यों अंतर्धन हुआ कृष्ण, जो महाराज जी बता रहे थे, सबके साथ सम व्यवहार के कारण राधा जी अंतर्धन हो गई थी। अरे ये काले अंदर काला बाहर काला, मक्कार गोपी रति हिंडक ठग प्रतारक, ऐसे ठीक है, इसलिए अंतर्धन हो गई। और किसी समय चंद्रावली के कुंज में, किसी के सैब्बा के, किसी भद्रा के, पद्मा के, ठीक है। अब ललिता विशाखा क्या किया, राधा कृष्ण दोनों बैठे थे, क्या क्या चुपचाप ललिता विशाखा आँख से आँख से आँख में बात कर लिया, क्या बात वही जानती है, राधा कृष्ण ध्यान नहीं दे, बोले चोखे चोखे कथा कहो मुखे क्या न कहो ना, चोखे जाके आके बात हो गई। और क्या किया, कृष्ण के पितामह राधिका के चुंदरी से गांठ बांध दिया, किसी को पता ही नहीं चला, समाधि हो जा हो रहे सुन करके। तो क्या क्या, दोनों को गांठ बांध करके अब शादी की गाना गाने लगी। राधिका ये क्या बात है, और ताली बजा रही है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। अब ये क्या बात है, लगता है मुझे चिढ़ा रही है, भागने लगी, तो बंधा हो भाग नहीं सकी, दो नंबर दामोदर। तीसरे नंबर जो गुरुदेव दिखाया इसमें, वहीं कहीं किसी स्थान पर ऐसे दोनों को गठबंधन कर दिया था। और चौथे गाठोली गांव में गठबंधन, ये तीन जगह रे रहा दामोदर, ये चार दामोदर है, एक जसोदा दामोदर, ये तीन। नमामि शरम सच्चिदानंद रूपम, क्या करे, पहले नमामि, संस्कृत साहित्य के अनुसार किसी विषय वस्तु को आरंभ करने पर तीन तरीका है, नम आशीष नमस क्रिया वस्तु निर्देश, पहले क्या है, गुरुजनों को प्रणाम, प्रणाम या नमस्कार की तात्पर्य पर है, प्र अर्थात प्रकृष्ट रूपेण, न अर्थात नहीं, म अर्थात अहंकार, अहंकार को छोड़ करके नमामि में वही प्रणाम करें, नमामि शरम, नमामि नमस्कार करने पर क्या होगा, गुरुवर को आशीर्वाद देंगे, नहीं तो इसका क्या था बताओ, ऐसे नहीं। दिखा रहे नारद जी वृंदा देवी से, शोभनी यज्ञ शिव दशमे, यदि मुझे यज्ञ समझते हैं कृपया कहा जाए, मेरे गुरुवर्ग श्री गुरुदेव ऐसे कहते थे,
इसलिए नमामि पहले नमस्कार कर रहे हैं और आशीष तो उनके आशीर्वाद मिलेगा। वस्तु निर्देश से अर्थ क्या है? जिस वस्तु को मैं कहने जा रहा हूँ सत्यवत दिखा रहे किसको? सच्चिदानंद रूपम। नमामि सरम ईश्वर कौन है? ईश्वर के तीन अर्थ दिखाया सनातन गोस्वामी। एक है सर्वशक्तिमान, जो चाहे वो कर सकते हैं। महाराज जी बता रहे थे ना श्रीलोक गौर गोविंद भाई बेगार्स प्रेम, वो लोग गुरुदेव के समय दो बार ड्रामा फर्स्ट क्लास ड्रामा के दिखाया अमेरिका में इसी विज पर। वे सर्वशक्तिमान बताओ तो केस तो उड़ गया, केस तुरंत हो गया, वही तो है सर्वशक्तिमान की है। क्या है? अभी नहीं, अभी हो गया। सर्वशक्तिमान जिसके भ्रुवंग से करोड़ों ब्रह्मांड मुहूर्त सेकंड के कम में ध्वंस होता है सृष्टि सब आते, इसमें क्या है? सर्वशक्तिमान। फिर जगत एकनाथ, जगत के एकमात्र नाथ है। क्यों कह रहे जगत एकनाथ? सर्वशक्तिमान क्यों कह रहे हैं? आप सर्वशक्ति संपन्न, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे देंगे, मुझे पता है। इसलिए पहला अर्थ सर्वशक्तिमान। दूसरा जगत एकनाथ, जगत के एकमात्र नाथ हैं। नाथ क्या करते हैं? दास को कृपा करते हैं, इसलिए कह रहे जैसे दास को समीकरण है तांग नत्वा जाचते धृत्रा त्रिनाम दंतमयम जन सदासामृतेन जीवायुम सुदुक्षितम न मंचये शरणादपि दुष्टं दयामय हा हा राधालिके मुंचे नंग नहीं बतादृशम। दास गोस्वामी भजन करते समाधिस्थ होकर के राधा जी के विरह में राधा गोस्त प्रार्थना कर रहे हैं, बता देखो मैं दांत में तीन का धारण करके ये कह रहा हूं, आप मुझे कभी त्याग न करें। ऐसे तो नियम है जो शरणागत पालक है शरणागत कभी त्याग नहीं करते। मैं अभी तो आपका शरणागत, मुझे कभी त्याग नहीं, विरह में ये कह रहे हैं। ऐसे ही जगत एकनाथ, जगत के एकमात्र, मैं तो जगत के अंदर हूं ना, तो आप भी मुझे कृपा करेंगे, इसलिए जगत एकनाथ। फिर मम प्रभु, ये क्या है? मम प्रभु अर्थात मेरा प्रभु, तात्पर्य क्या है इसमें? ममता भाव है। पहले दिखाए ऐश्वर्य, अब दिखा रहे ममता। ममता के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जिनके जितने अधिक ममता गुरु वैष्णव में, फिर वो ममता जाएगा महाप्रभु में। फिर महाप्रभु जितनी ममता होगी फिर जाएगा राधा कृष्ण चरण में। बताया यदा जदा गौरव जदा जदा गौरव पदार बिंदे बिंदे तो भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा हृदय अकस्मात राधा पदम भोज सुधाम्बु राशि यथा यथा गौर पदार बिंदे। श्री चैतन्य महाप्रभु चरण में जितने परिमाण में भक्ति होगी हठात अचानक वो भक्ति राधा के चरण में उदित हो जाएगा। पहले गुरु वैष्णव चरण में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए बताया मम प्रभु तथा आत्मीयता मदीयता, जितने अधिक मदीयता उतने ही कृष्ण अधिक वशीभूत होंगे। कृष्ण सब रस में वशीभूत हैं, ब्रज में विशेष करके सख बात्सल्य मधुर, किंतु संपूर्ण में वशीभूत श्रृंगार ऐसा मधुर रस में और विशेष करके राधा जी में। क्यों? कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उनमें भी शक्ति दो प्रकार, एक अंतरंगा बहिरंगा, अंतरंगा आठ प्रकार बहिरंगा आठ प्रकार। फिर उसमें दिखा रहे हैं हमारे आचार्य वर्ग एक शक्ति है अंतरंगा कहे फ्लादिनी कहे स्वरूप शक्ति कहे। ह्लादिनी जा महाशक्ति सर्वशक्ति बरीयसी महाभाव स्वरूपयम राधिका परिकीर्तिता। ह्लादिनी जा महाशक्ति सर्वशक्ति बरीयसी, जितनी भी शक्तियां हैं सर्वश्रेष्ठ कौन है? ह्लादिनी। और महाभाव स्वरूपयम राधिका परिकीर्तिता, ह्लादिनी शक्ति के मूर्तमान प्रतीक, ह्लादिनी की अधिष्ठात्री देवी महाभाव स्वरूप होने के कारण क्या है? श्री राधिका परिकीर्तिता, राधिका कहा जाता है। अब बताए मदेक प्रभु ममता। इधर राधा जी के दो पक्ष हैं, एक राधा जी और एक चंद्रावली। चंद्रावली क्या है? उनका तदीयता भाव, राधिका मदीयता। तदीय अर्थात घृत स्नेह,
घी में तो स्नेह जातीय द्रव्य है, मिठास नहीं है, घी में बुरा डालो अच्छा लगेगा, और मधु में क्या है, मिठास है, स्निग्ध सब कुछ है। चंद्रावली क्या, मैं कृष्ण का हूं और राधा का कृष्ण मेरे हैं, ये पार्थक्य। इसलिए कृष्ण सबसे अधिक किसके वशीभूत है, राधिका। ये पुजारी घंटाबाजी आरती आरंभ करो, कोई चिंता नहीं है। हाँ, इसलिए क्या, मदे का प्रभु मेरा, मम प्रभु मेरा प्रभु, नमामि सरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चित आनंद। ये कृष्ण कौन है, सच्चिदानंद, सदक सदंग से संधिनी, चिदंग से संबित जारे ज्ञान करी मानी। सत में क्या है, संधिनी, संधिनी न हो किसी का भी सत्ता नहीं रहेगा। ब्रज में जितने भी जो कुछ है सबके श्रीअंग, अभियान तक राधा जी के श्रीअंग तक संधिनी शक्ति के द्वारा है। यद्यपि महाबाप स्वरूपिणी है लेकिन संधिनी। चित, चित अर्थात ज्ञान, कौन सा ज्ञान, संबंध ज्ञान। ये कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है, बहुत प्रकार संबंध रहने पर भी ब्रज में तीन है प्रधान। पुजारी प्रभु आरती आरंभ करो। तीन प्रधान क्या है, सुख वात्सल्य मधुर। सखा लोग क्या करते हैं, स्कंधे चढ़े स्कंधे चढ़ाए करे रन, क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, तुम ही कौन बड़ो लोग, तुम ही आमी सम, तुम कौन से बड़ो लोग के बेटा, तुम हम बराबर हैं। कृष्ण देख, मैं एकला बाप का बेटा हूं और मेरा बाप का 9 लाख धेनु है। सीधा बोला, अरे साले चुप, मेरे बाप के 11 लाख धेनु है, मैं भी बाप का एकला बेटा, दो सुंदरी बहन है जिसे तुम ललचते हो, तुम कौन सा बड़ा लोक हो गया। ब्रज में कृष्ण का भगवत्ता कोई मान्यता नहीं है, ये जन्ना झोसा के नटखट बेटा इससे अधिक नहीं है, और मक्खन चोर है, और गोपिया कहती है वस्त्र चोर है। आरती फिर काल से कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्ण।